हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है और पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आपको बताइए, मैं बीए फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर बन है उसमें लेटर राइटिंग आपको करा रहा हूँ। और हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे चार जो लेटर हैं वो हम लोग कर चुके हैं। जो आज हमारा लेटर है, पाँचवा लेटर है जिसे हम करेंगे, आइए देखते हैं हमारे लेटर में, इस लेटर में क्या है। राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के पत्र डिस्क्राइबिंग द एनुअल फंक्शन, अपने जो वार्षिक फंक्शन है, वार्षिक समारोह हुआ था उसके बारे में बताते हुए, सेलिब्रेटेड इन द कॉलेज, जो आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। ठीक है, यहाँ आपको बताइए अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका नाम और जगह का नाम, यहाँ पर जो कॉलेज वगैरह का है, यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है जैसे डेट में आप सेंड कर रहे हैं पिताजी को। डियर फादर, पिताजी, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड एंड गुड हेल्थ। मुझे आशा है कि आपको यह लेटर एक जब मिलेगा तो आप एक अच्छी हेल्थ में होंगे। इट वॉज ए प्लीजर, ये मेरे लिए प्रशंसा का विषय है डेट यू आर इंजॉइंग योर ट्रिप टू केरला, कि आप अपनी केरला की ट्रिप को इंजॉय कर रहे हैं। इन योर लास्ट ईयर, इन योर लास्ट लेटर, आपके अंतिम पत्र में यू आस्क्ड अबाउट द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन माई कॉलेज, जो आपने जो हमारा लास्ट पत्र था उसमें आपने मेरे जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक समारोह, उसके बारे में मुझसे पूछा था। वेल, अच्छा, द एनुअल फंक्शन ऑफ माई कॉलेज, जो मेरे वार्षिक जो फंक्शन है मेरे कॉलेज का, आज हेल्ड ऑन 4 जनवरी, वो 4 जनवरी को मनाया गया। आवर एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं, बाय द चीफ गेस्ट, वो जो मुख्य अतिथि थी फॉर द डे, उस दिन के लिए जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं वो चीफ गेस्ट थी, मुख्य अतिथि थी हमारी कॉलेज में। एक कल्चरल शो, एक सांस्कृतिक शो वाज आल्सो अरेंज किया गया था, इन विच वन एक्ट प्लेस, जिसमें एक एक्ट भी किया गया, फोक डांस किए गए और एंड मैजिक्स, और जो हमारे जादू दिखाए गए, बर प्रेजेंटेड मतलब दिखाए गए, ठीक है, प्रेजेंट किए गए। आफ्टर द कल्चरल शो, सांस्कृतिक शो के बाद, द प्रिंसिपल, हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, रीड द एनुअल रिपोर्ट, उन्होंने जो वार्षिक रिपोर्ट है वो हमारी प्रधानाचार्य ने पढ़ी। द चीफ गेस्ट, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज, उन्होंने पुरस्कार को बांटा। डिस्ट्रीब्यूट मानी होता क्या होता है, बांटना, ठीक है। टू द मेरिटियस स्टूडेंट, जो कि एक अच्छे पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, एंड द बेस्ट परफॉर्मर, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म उस दिन किया था, ही अप्रिशिएटेड, उन्होंने प्रशंसा की, द एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास थे उनका, मेड बाई आवर कॉलेज इन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द एनुअल फंक्शन, मतलब जो हमारे एनुअल फंक्शन में हमारे जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया था उसके लिए क्या किया था, उसके लिए हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने प्रशंसा की, ठीक है। आफ्टर द फंक्शन, फंक्शन के बाद, आल्सो वी इंजॉयड अ लॉट, फंक्शन के बाद हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ही आनंद लिया। इट वॉज अ प्रॉपरली अरेंज, ये पहले से बिल्कुल व्यवस्थित था कार्यक्रम, एंड वेल मैनेज्ड, और बहुत ही मैनेज्ड किया हुआ फंक्शन था, ठीक है। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, माता जी को मेरा प्रणाम कहना, एंड एल्डर ब्रदर, और बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है। योर सिंसियरली, आपका जो पुत्र है राम कुमार, राम कुमार की जगह क्या करना है आपको, अपना नाम डाल देना है, ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये जो था हमारा पांचवा लेटर था जिसमें हमने देखा कि हम अपने एनुअल फंक्शन के बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।